नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं और अगर उन झगड़ों में बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, तो एकमात्र केस जो सबसे पहले दोनों के बीच में देखने को मिलता है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा का केस। ये एक ऐसा केस है जो पति पत्नी के झगड़ों में जहां बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हो, वहां डोमेस्टिक वायलेंस से पति और पत्नी दोनों का सामना होता ही होता है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये ही एक मात्र ऐसा केस है जिसमें एक पत्नी, एक महिला अपने सभी अलग अलग अधिकारों को एक ही केस के जरिए कोर्ट के सामने उनकी मांग रख सकती है, चाहे वो मेंटेनेंस की मांग हो, प्रोटेक्शन की मांग हो, रेजिडेंस की मांग हो, राइट टू रेजिडेंस की मांग हो, बच्चे की कस्टडी की मांग हो, कंपेंसेशन की मांग हो। इस तरीके की सभी मांगों को एक ही केस के अंदर एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस के केस के जरिए मांग सकती है। इसलिए अगर कभी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस से पाला पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि जब डीवी का केस फाइल होता है, फाइल होने के बाद दूसरे पक्ष को यानी हस्बैंड और उसके परिवार वालों को कोर्ट से नोटिस जाता है, तो नोटिस मिलने के बाद क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो पति और पत्नी दोनों के सामने इस मुकदमे के दौरान आती हैं, और क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के केस का कंप्लीट प्रोसीजर, ये पूरी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। अब चाहे ये वाइफ की बात हो, चाहे ये हस्बैंड की बात हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस डोमेस्टिक वायलेंस का एक ही होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए दोनों के लिए ही ये जानना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में फाइल हो जाने के बाद क्या उनका कंप्लीट प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के सामने उस केस के दौरान आती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में शुरू से लेकर आखिर तक पांच स्टेजेस होती हैं, पांच पड़ाव होते हैं। पांच पड़ाव ऐसे होते हैं जो मुकदमे में कार्रवाई के दौरान पति और पत्नी दोनों के सामने आते हैं और दोनों को ही उन पांच पड़ावों से एक एक करके गुजरना पड़ता है। अब क्या है वो पांच स्टेजेस, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है ये सिविल नेचर का केस होता है। इसमें ना तो बेल कराने की जरूरत होती, ना ही इस मुकदमे में जमानती कोर्ट में पेश करने की जरूरत होती, और ना ही इस मुकदमे में आपको कोर्ट अरेस्ट कर सकती। तो इस चीज का घबराहट जो होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस आ गया और हम पे तरह तरीके के आरोप लगाए गए हैं, उससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपको कोर्ट में जाने से पहले जमानत लेनी पड़ेगी। इसमें जमानत लेने की जरूरत नहीं होती, बेल कराने की जरूरत नहीं होती, आप अपने कोर्ट को सिविल नेचर के केसेस की तरह प्रोसीड कर सकते हैं कोर्ट में। अब क्या है पांच स्टेजेस, उनको जल्दी से जान लेते हैं। पहली स्टेज है WS यानी रिप्लाई। डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ और हस्बैंड को नोटिस करके तारीख पर कोर्ट में बुला लिया। अब जिस दिन हस्बैंड कोर्ट में तारीख पर पेश होगा, उस दिन हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस के केस का जवाब कोर्ट में फाइल करना है। अब उस जवाब के साथ साथ हस्बैंड ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, हस्बैंड ने अगर कोई कंप्लेंट कर रखी है वाइफ के खिलाफ, या हस्बैंड को अपना कोई इनकम प्रूफ लगाना है, या हस्बैंड को वाइफ का कोई इनकम प्रूफ लगाना है जो ये बता सके कि वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है। इस तरीके का कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हस्बैंड जवाब के साथ तारीख पर फाइल करेगा। इसके साथ साथ हस्बैंड को इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है। हस्बैंड का सारा जवाब रिप्लाई फाइल होने के बाद वाइफ हस्बैंड के जवाब का जवाब फाइल कर देती है, और उसके बाद एक स्टेज खत्म हो जाती है। अब सेकंड स्टेज है इंटरिम मेंटेनेंस आर्गुमेंट एंड ऑर्डर्स। जब हस्बैंड की तरफ से कोर्ट में जवाब फाइल हो जाता है, उसके बाद कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर जो कंप्लेनेंट ने कोर्ट में फाइल की होती है उस पर आर्ग्यूमेंट सुनती है, बहस सुनती है। वाइफ की तरफ से बहस होती है, कोर्ट वाइफ की आर्ग्यूमेंट सुनती है, कंप्लेनेंट की तरफ से बहस होती है, आर्ग्यूमेंट सुनती है, दोनों अपना पक्ष रखते हैं, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करती है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, यानी जब तक ये केस चलेगा उस दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ को बतौर मेंटेनेंस इतना पैसा देगा जिससे कि वाइफ केस के चलने के दौरान भी अपना भरण पोषण कर सके। ये होती है सेकंड स्टेज। अब इसके बाद आती है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज होती है एविडेंस यानी दोनों पक्षों की गवाही। एविडेंस की स्टेज में सबसे पहले कोर्ट कंप्लेनेंट यानी वाइफ की एविडेंस को रिकॉर्ड करती है, जिसमें वाइफ अपने फेवर में गवाहों को कोर्ट में लेकर आती है जो ये बताते हैं कि वाइफ के साथ साथ ये अत्याचार हुए या ये मारपीट हुई या जो भी वाइफ ने आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करने के लिए वाइफ अपनी एविडेंस, अपनी गवाही कोर्ट में कराती है।
जब वाइफ की गवाही पूरी हो जाती है तो कोर्ट मौका देती है हस्बैंड को कि वो अपने फेवर में जो जो भी गवाह हैं उनको कोर्ट में लेकर आए और उनकी गवाही कोर्ट में करा दे। दोनों की गवाही हो जाने के बाद तीसरी स्टेज भी खत्म हो जाती है और उसके बाद आती है चौथी स्टेज। अब चौथी स्टेज क्या है इसको समझ लें। जब दोनों पक्षों की गवाही भी हो जाती है उसके बाद गवाहों को ध्यान में रखते हुए और गवाहों ने जो भी कोर्ट में बयान दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट सुनती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अब चौथी स्टेज होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइनल आर्ग्यूमेंट है केस का निचोड़। कंप्लेनेंट ने जो केस फाइल किया उसमें जो जो आरोप लगाए कोर्ट उन्हें सुनती है। हस्बैंड ने जो जवाब फाइल किया कोर्ट उसे भी सुनती है। कंप्लेनेंट की तरफ से जितने गवाह कोर्ट में पेश किए गए जो गवाह कंप्लेनेंट के आरोपों को साबित करने में कोर्ट की मदद करते हैं उसको भी सुनती है और हस्बैंड की तरफ से जितनी भी गवाहियां कोर्ट में पेश की गई उन सभी बयानों को सुनती है और उसके बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती है कि कंप्लेनेंट अपने लगाए गए आरोपों को साबित कर पाई या नहीं कर पाई या फिर हस्बैंड ने जितनी बातें अपने जवाब में कही थी उन बातों को हस्बैंड साबित कर पाया नहीं या नहीं कर पाया। इन दोनों चीजों को फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट अपने ऑर्डर्स में लिखवाती है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद आती है पांचवी स्टेज। जो पांचवी स्टेज होती है वो होती है कोर्ट जजमेंट। यानी जब फाइनल आर्ग्यूमेंट कोर्ट सुन लेती है दोनों पक्षों के गवाहों को कोर्ट सुन लेती है उसके बाद कोर्ट एक कंक्लूजन देती है दोनों पक्षों की गवाहियों को ध्यान में रखते हुए और वो कंक्लूजन वो ऑर्डर जो होता है वो पूरे केस का निचोड़ होता है जिसे कहते हैं कोर्ट जजमेंट। यानी अंत में जो पांचवी स्टेज होती है उसमें कोर्ट अपनी जजमेंट पास करती है ऑर्डर सुनाती है कि कंप्लेनेंट गवाहों की मदद से अपने आरोपों को साबित कर पाई या नहीं कर पाई और उसके अकॉर्डिंग केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जजमेंट पास की जाती है और केस समाप्ति की ओर आ जाता है। तो ये होती हैं पांच स्टेजेस जो डोमेस्टिक वायलेंस में एक एक करके पति और पत्नी दोनों के सामने आती हैं। पहली होती है WS यानी रिप्लाई, दूसरी होती है इंटरिम आर्ग्यूमेंट्स, तीसरी होती है एविडेंस, चौथी होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और पांचवी होती है जजमेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से पांच पड़ाव हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पति और पत्नी दोनों के सामने आते ही आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोसीजर समझ में आया और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।